डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसीई ऑनलाइन पाठशाला। आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन इफ दिस वन इक्वल टू 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 2 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 12। ये आपको गिवन है। तो देखिए कैसे करें क्वेश्चन को। देखिए गौर से, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका फॉर्मूला आपको लिखवा चुका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या है साइन थीटा, इसे आप नंबर वन डाल दो। उसके बाद में क्या है, नौ, ये अगेन नौ करो यहां पे और यहां इसको क्या बोलोगे, नौ। देखो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, 12। आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि ए और बी का वैल्यू तो ये ना। देखो ध्यान से, ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इक्वल टू 12। तो देखो 10 इंटू 2 कोस थीटा इक्वल टू में 12 और कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा 12, 12 अपॉन 20 तो 3 और 5। तो क्या बोलोगे, कोस थीटा इक्वल टू क्या है 3 अपॉन 5। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो रूट में 1 माइनस 9 अपॉन 25 और इसे सोल्व करोगे 4 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे आया आपको पता लग गया होगा क्योंकि पढ़ा हुआ है। ये 13.2 में है ये फॉर्मूला। उसके बाद देखिए क्या है, 4 अपॉन 5। अब क्या बोलोगे इसके आगे, वैल्यू ऑफ साइन थीटा पुट इन फर्स्ट, वी गेट क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 4 अपॉन 5। तो इसको यहां से किया और ये क्या है 16 और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही।